वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ 40 साल पुरानी कार्ड पर। जी हाँ, सही सुना आपने, 40 साल पुरानी कार्ड जहाँ पर मोठ कचौड़ी मिलती है, प्रेमचंद की मशहूर मुल्तानी मोठ कचौड़ी, जो कि इनकी लोकेशन है वो टैगोर गार्डन और रजौरी गार्डन के रेडलाइट के बीच में है। कुकरेजा हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट जो है फ्रंट में खड़े होते हैं, और 40 साल पुरानी की कार्ड है और इसका जायका चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से जो है लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं कचौड़ी। और की जो बेस्ट पार्ट है कि ये जब प्रिपरेशन करते हैं मोठ कचौड़ी की, उसके बाद पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं जिन्हें ये मानते हैं, और उसके बाद जो है शॉप ओपन करते हैं अपनी आके 12 या 1 बजे, और उसके बाद जो है लोगों को सर्व करते हैं मोठ कचौड़ी, जो कि इनका जायका है वो काफ़ी लाजवाब है। तो आप भी मेरे रिकमेंडेशन पर अगर इस लोकेशन में हो तो ज़रूर ट्राई करें। बाकी हम चलते हैं भैया से बात करते हैं एक बारी, और आपको बताते हैं कि कैसे शुरू किया भैया ने और कब से जो है यहाँ पर लगा रहे हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार हरे कृष्णा। क्या नाम है भैया जी आपका? राम कुमार। ये भैया जी कितना टाइम हो गया यहाँ पे लगाते हो आपको? कम से कम मैं तो 42 साल से ऊपर हो गया। 42 साल हो गए। तो ये आप खुद ही बनाते हो मोठ कचौड़ी दोनों? बिल्कुल खुद ही बनाते हैं, ठाकुर जी के भोग लगाते हैं बगैर लहसुन बगैर प्याज। मतलब भोग लगाने के बाद ही आप सर्व करते हो बाकी? हाँ जी, हाँ जी, लहसुन प्याज नहीं चलता। लहसुन प्याज एक बार दिखाइएगा कचौड़ी, ये खुद बनती है आपकी भी? हाँ ये खुद बनती है, करके बाहर का कुछ नहीं। क्या क्या डलता है इसके अंदर? मैदा होती है, नमक होती है, अजवाइन होता है। और दिखाइएगा दाल एक बारी। ये भी आपको कितने शुरू करते हो बनाना? ये 16 साल हो जाता है। सुबह 5 बजे? और यहाँ पर आप कितने बजे आया? तो 2 बजे के बाद। और 2 बजे से रात के 10 बजे तक। एक बार ये लोकेशन बता दो भैया क्या पड़ती है? ये टैगोर गार्डन पिलर नंबर 419 पीछे कुकरेजा हॉस्पिटल। और रोज आते हो आप? हाँ जी रोज, एकादशी के दिन। धन्यवाद भैया अपना टाइम देने के लिए हमें। हरे कृष्णा। तो भैया जो हमारे लिए मोठ कचौड़ी जो है रेडी कर रहे हैं, ये कचौड़ी जो है क्रश करके भैया ने डाल दिया, अब इसमें डलेगी मोठ की दाल, अब इसमें डलेगा मसाला, लाल मिर्ची, और ये जो है खटास के लिए इमली का पानी। काफ़ी जो है मज़ेदार है इनकी कचौड़ी, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे चावल, अब यह डालिए अभी मूली, और बेहतरीन जो है हमारी मोठ कचौड़ी जो है रेडी हो चुकी है, वो भी मिर्च के अचार के साथ। आप हरी मिर्च चाहे अगर तो वो भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है भैया के पास। तो आइए चलते हैं इसको लेकर और टेस्ट करके बताते हैं कि आपको इसका जायका कैसा है। ये ऊपर से जो है खटास के लिए नींबू भी आ गया, बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। अब फटाफट टेस्ट करते हैं और बताते हैं इसका स्वाद कैसा। तो आइए चलिए चलते हैं। तो देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। अब मैं फर्स्ट जो है स्कूप लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। साथ में जो है मिर्च का अचार भी मिला है जो कि तीखा नहीं है। तो अच्छे से एक बारी मिला के जो फर्स्ट बाइट लेते हैं, बहुत ही शानदार स्वाद है। मैं तो काफ़ी बारी यहाँ से ट्राई कर चुका हूँ मोठ कचौड़ी, आप एक बारी ज़रूर मेरे रिकमेंडेशन पे यहाँ पर आइएगा और टैग कीजिए अपने उस दोस्त को जो कि मोठ कचौड़ी के लिए जो है स्वाद को जो है चखना चाहता है, और वो काफ़ी पुराने जो है स्वाद है 40 साल पुराना। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाएँ, और भैया जी की कार्ड पर भी आएँ और जो है ट्राई करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।